वेलकम टू माय चैनल हिरा खान। आज मैं आपके साथ हेल्दी फूड दलिया दाल रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो बहुत ही कम टाइम में हेल्दी टेस्टी बन जाती है। इसे बच्चे, बूढ़े सभी बड़े शौक से खाना पसंद करेंगे। आप इसे नाश्ते में, खाने में दे सकते हैं। आसान तरीक़ों से कम टाइम में ये रेसिपी बन जाती है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही आसान तरीक़ों से ये रेसिपी बन जाती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। चलिए शुरू करते हैं। मैंने लिया है सब्जियाँ, गाजर, टमाटर, लौकी, चुकंदर, आलू, खीरा। ये सब्जियों को मैंने काट लिया है। दलिया लिया था जिसे मैंने धो लिया है 1 कटोरी, और मूंग की दाल इसे भी मैंने धो लिया है। मैं गैस पे कुकर चढ़ाऊंगी, कुकर मेरा गर्म हो जाए। तेल डालूंगी, तेल मेरा गर्म हो जाए। 8 से 9 कलियाँ मैंने लिया है लहसुन की। प्याज मैंने लिया है, लाइट ब्राउन हो जाए मेरी प्याज। उसके बाद मैं डालूंगी दलिया जो मैंने धोया था। दलिया को मैं 1 मिनट भूनूंगी तेल में। अब मैं इसमें दाल डालूंगी भूनने के बाद जो मैंने धोया था। ये मूंग की दाल है। मूंग की दाल को और दलिया को मैं तेल में 1 मिनट के लिए भूनूंगी। भून गया। अब मैं डालूंगी 1 स्पून जीरा पाउडर, 1 स्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 स्पून हल्दी पाउडर, नमक टेस्ट अकॉर्डिंग डाल के मुझे मिक्स करना है। अब मैं जो मैंने सब्जियां काटा था उसे डाल दूंगी। सब्जियों को मैं 1 मिनट भूनूंगी दाल और दलिया के साथ। दो गिलास पानी डालना है जिससे मेरी दाल दलिया अच्छे से गल जाए, पक जाए सब्जियों में। अब मैं सीटी लगा देती हूँ प्रेशर, एक प्रेशर आने पे मैं गैस को स्लो कर दूंगी 10 मिनट के लिए, 10 से 15 मिनट। ये देखिए हो गया है, मेरी दलिया बन चुकी है। बहुत ही टेस्टी हेल्दी फूड। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। बहुत ही कम टाइम में बन जाती है और हेल्दी फूड है, सभी इसे खाना बहुत पसंद करेंगे।